नमस्कार, मैं यश शर्मा, कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की राष्ट्रीय खबरों से। केंद्र सरकार नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिकवरी अथॉरिटी NIRA के गठन पर विचार कर रही है। NIRA को देश में नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं की योजना, अन्वेषण, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में जाना जाएगा। NIRA नदियों को जोड़ने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA का स्थान लेगी। यह पड़ोसी देश और संबंधित राज्यों एवं विभागों के साथ समन्वय करेगा तथा नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं एवं उनके विद्युत पहलुओं के तहत पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर भी अधिकार रखेगा। NIRA के पास धन सृजित करने और उधार ली गई धनराशि या जमा पर प्राप्त धन या ब्याज पर दिए गए ऋण की रिकवरी के रूप में कार्य करने की शक्ति भी होगी। इसके पास व्यक्तिगत एकल लिंक परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की शक्ति भी होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च की है। वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग सेवाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली CMS शुरू की थी। प्रधानमंत्री ने RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी लॉन्च की है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कामो ओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह का पता लगाया है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का अनुसरण करता है। यह चंद्रमा से निकला एक खंड हो सकता है। कामो ओलेवा के नमूने को एकत्र करने के लिए वर्ष 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की योजना निर्धारित की गई है। हाल ही में बेलारूस और रूस के पैराट्रूपर्स द्वारा पोलैंड और लिथुआनाई सीमाओं के पास संयुक्त अभ्यास किया गया। यह अभ्यास उस समय संपन्न हुआ जब सीमावर्ती जंगलों में डेरा डाले हुए प्रवासियों को लेकर बेलारूस और यूरोपीय संघ के मध्य गतिरोध की स्थिति है। आइए अब देखते हैं इकोनॉमी की खबरें। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया है जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों के 1,23,000 स्कूलों के लगभग 38 लाख छात्रों का आकलन किया गया। सर्वेक्षण को आखिरी बार वर्ष 2017 में किया गया था और इस वर्ष 2020 में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन COVID-19 के कारण इसे वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स की खबरें। लुइस हैमिल्टन ने 2021 F1 साओ पाओलो ग्रांड प्रिक्स